ओके चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर्स एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। चलो दे देखते पहले अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 विल सी अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन द टाइम टी थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज गिवन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी सी निकलना है। तो सिंस लाइक डायमेंशंस कैन बी एडेड एंड लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस आर इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस, तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी। टी स्क्वायर को नीचे भेज देंगे, देखो यहाँ पर है ना, ए टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर को नीचे भेज दिया क्योंकि हमने लिखी आई टी अपॉन टी स्क्वायर, आई बाई टी बचेगा। ऑलराइट, तो आई बाई टी, तो आई का हो गया तुम्हारा ए, एन सी आर टी बुक का डायमेंशन सिंबल ए है, करंट का जो यूनिट है वही सिंबल है। तो वी आर फॉलोइंग दिस इन दिस बुक आई इज रिटन बोथ आर ओके, और टी का माइनस वन हो जाएगा, ऐसे ही ये भी बी टी इक्वल टू क्यू, तो टी को नीचे भेज दिया नीचे चला गया, तो ए बचेगा। ऐसे ही सी की डायमेंशन जो है इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू, दैट इज़ आई टी, ए टी आ जाएगा। एंड इसमें टी इक्वल टू फाइव पर करंट चार्ज निकालना है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ओके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर इसमें, वी हैव टू डिफरेंशिएट नॉट, ओके विल सी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो इसका हो जाएगा 280, ये बी हो जाएगा। नाउ विल पुट द वैल्यू 2 इंटू ए, कितना दिया अपने को 5, टी इज हाउ मच 5 प्लस बी, बी इज गिवन 3, तो दिस विल बी कमिंग 53 एम्पियर। ऑल राइट, तो विल सी इट्स आंसर, डू वी हैव द आंसर हियर, ओके जस्ट वेट somewhere we will have the answer, फिफ्टी थ्री एम्पियर राइट आंसर। ओके चलो फिर आगे देखते हम लोग, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, वॉट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस करस्पॉन्ड टू, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू ए नहीं होता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई द चार्ज, मॉड लेंगे, ई का माइनस नहीं पुट करेंगे। वैन वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस आंसर विल बी दिस मच। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस मच, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इज गिवन, टी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके पुट कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कूलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स अपॉन टाइम एज दिस फंक्शन, आई नॉट की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, एंड 10 सेकेंड में कितना चार्ज, तो वेरिएबल कंडीशन अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऊपर वाले में कॉन्स्टेंट था तो इंटीग्रेशन नहीं किया। एंड नाउ करंट इज टेम्परेचर डिपेंड टाइम डिपेंडेंट, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आई नॉट का हो जाएगा आई नॉट इंटू टी, और टी स्क्वायर, टी का टी स्क्वायर बाई 2 है ना, लिमिट 0 से लेकर 10 तक है, 10 सेकंड तक निकालना है, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा 300 कूलम, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, करंट इज गिवन, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है, assuming one free electrons per atom, calculate the diff speed of the free electrons in the wire, density of copper is given, तो वीना वाला I इक्वल टू वीना फार्मूला जो होता है, या इसको I इक्वल टू एन ए वी डी, तो एन इनडायरेक्टली गिवन है, बाकी सब दिया हुआ है, और डिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो एन देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास, तो एन ए को तो इधर शिफ्ट कर दो यहाँ पे आ गया, और फिर वॉल्यूम से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इतने इतने एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे, तो इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएंगे,
मास अपन वॉल्यूम इज डेंसिटी, एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर मास। कॉपर का मोलर मास 63 ग्राम होता है, उसको केजी में कन्वर्ट किया, मोल मोल कैंसिल हो गया, बाकी ऐसा यूनिट भी कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। क्वाइट ए लो वैल्यू आती है इसकी, देखो मिलीमीटर में, वो भी फ्रैक्शन के मिलीमीटर में, स्लोली ड्रिफ्टिंग, बट इट डजेंट मीन कि इफेक्ट इतना स्लो होगा। तो जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट, लाइटनिंग फास्ट इफेक्ट होता है व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ पे एक बार और देख लो, ये दिस इज द की पॉइंट, मोलर मासेस वगैरह एवोगाड्रोस नंबर यूज हो रहे हैं एंड दीज थिंग्स यू शुड नो प्रॉपरली। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ये वहाँ भी ये आएगा, KTZ में इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लेंथ दी है, रेडियस दिया है उसका, रेजिस्टेंस दिया है, फाइंड द रेजिस्टिविटी। डायरेक्ट फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सारी वैल्यूज दी हैं, इससे तुम्हारा रो आ जाएगा एंड यूनिट उसकी ओम मीटर होती है, रो को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि सर्टन वन ऐसा यूनिट लेंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा एज पर दिस फार्मूला। एंड नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस, दिस मच इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल करके फिर से उसको दूसरे लेंथ में कन्वर्ट कर दिया गया, लेंथ कितनी हो गई डबल, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस। तो R1 दिया, L2 दिया, डबल ऑफ इनिशियल लेंथ, ये फार्मूला होता है। तो डिवाइड कर देंगे, रो तो कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहाँ पे R1 है तो L1 A1 ऊपर आ जाएगा। नाउ रिकास्ट किया इसको, तो वॉल्यूम विल नॉट चेंज, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से A1 by A2 मिल गया, विच इज L2 by L1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो L2 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे L1 स्क्वायर, L2 इज ट्वाइस ऑफ L1, ये पुट कर दिया तो रेशियो 4 आ गया, R1 को इधर शिफ्ट कर दिया विच इज 100, तो 400 ओम। ये क्वेश्चन को स्ट्रेचिंग के फॉर्म में भी करते हैं, वायर इज स्ट्रेच्ड विदाउट चेंज इन इट्स डेंसिटी, तो उसमें भी वॉल्यूम सेम रहेगा, तो उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। 8th, कंसिडर वायर ऑफ दिस लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, करंट इज गिवन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन, एवरेज टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये लेंथ ऑफ द वायर, अगर हमें वेलोसिटी पता लग जाए तो लेंथ को वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, वो टाइम मिल जाएगा, तो वेलोसिटी किससे आएगा, वीना वाले फार्मूले से, आई इज़ गुड़ा NAVD, NAVD को वीना के सीक्वेंस चेंज करके वीना जैसा याद कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी सब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, लेंथ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, क्वाइट ए बिग टाइम इट इज़ कमिंग, 8.9 आवर्स लग रहे हैं उसको कितनी मीटर चलने में, हाउ मच इज द मीटर कवर्ड, 4 मीटर चलने में। बट जैसा कि मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड तक नहीं जाना, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है, दे प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। 9th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन, लेंथ ऑफ द वायर इज टू बी कैलकुलेटेड, एरिया इज गिवन, ठीक है, रेजिस्टेंस इज गिवन, रेजिस्टिविटी इज गिवन। तो R इज गो टू रो एल बाई ए, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ के लिए सॉल्व कर लेंगे, 600 मीटर विच इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर, ठीक है, क्वाइट अ बिग लेंथ फॉर 1 किलोमीटर ऑफ रेस्ट, 1 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोज द कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ L हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस एक साइड की A दी है, दूसरे साइड की B दी है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी रो दी है, एंड बी माइनस ए इज़ मच लेस देन एल, है ना, तो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा, टेन थीटा को dv/dx लिख सकते हैं लोग, ठीक है। तो हमने एलिमेंट्री डिस्क ले ली उसमें से, जिसकी थिकनेस dx है और रेडियस y है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन π y² हो जाएगा। तो फार्मूला लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का, रो एल बाई ए,
एल कितना होगा डी एक्स, इसकी जो लेंथ है ये, यहाँ से करंट फ्लो होगा तो लेंथ इस डायरेक्शन में होगी डी एक्स, और सर्कुलर बनेगी ये डिस्क पाई वाई स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वाई लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स को भी डी वाई में ले आओ और इंटीग्रेट कर सकते हैं फिर हम उसको, इस लिमिट से लेकर ए से लेकर बी तक, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, वाई ऐसे जा रहा है, ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू वाई की कितनी रहेगी ए के बराबर। तो चलो फिर यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी माइनस ए है, बेस एल है, तो डी एक्स को एक तरफ रखा, डी वाई को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट आगे कर लिए, ये बचा वेरिएबल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे, तो इधर तो आर हो गया, इसका इंटीग्रेशन एच टू द पावर एन वाला फार्मूला, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर में भी एक प्लस नीचे भी, तो माइनस टू है, माइनस टू प्लस वन, माइनस वन बचेगा, नीचे भी वही आता है, और लिमिट्स लगा दिए अभी, माइनस को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ये माइनस था ना, देखो यहाँ पे जो माइनस है लिमिट ही हमने इंटरचेंज कर दी, इसलिए वो माइनस गायब हो गया, पहले हमने एक ही लिमिट पड़ी पुट की, तो माइनस जब लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस हट जाता है, तो इसलिए यहाँ से माइनस इज़ नॉट देयर। या फिर ऐसे रहने दो, माइनस पहले निकालो, वन बाई बी आएगा, माइनस वन बाई ए आएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल, माइनस हमने एडजस्ट किया यहीं पर, नाउ बस इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे ए बी आ जाएगा, ऊपर बी माइनस ए, तो बी माइनस ए चला जाएगा, ये बचेगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो कैसे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो ए पाई, ए जो है पाई आर स्क्वायर को हमने आर वन आर टू लिखेंगे, आर वन की वैल्यू एक रेडियस लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में बी है, तो दोनों रेडियस एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ए की वैल्यू पाई ए बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लो, इसमें कुछ जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिर से, यहाँ देखो यहाँ इधर की रेडियस ए है, इधर की बी है, टोटल बी, तो एक्स्ट्रा जो है यहाँ तक तो ए है, एक्स्ट्रा जो है वो बी माइनस से आती, और वाई भी जो है वाई यहाँ पर जब होगा ये एलिमेंट्री स्टेप, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू ए रहेगी, जब एलिमेंट्री स्टेप यहाँ पर आएगी तो वाई की वैल्यू बी हो जाएगी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए, तो इसलिए ए से बी तक लिमिट, ठीक है। और डायरेक्ट अगर याद रखना है तो ये फार्मूला लिखा, ए को पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई आर स्क्वायर लिखा, और पाए ए को, तो पाए आर वन आर टू लिख दिया, दोनों रेडियस एडजस्ट करनी है, एक एक तरफ से रेडियस ए है, दूसरी तरफ से रेडियस बी है, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा फिर, है ना। दिस इज़ द इजी वे टू रिमेंबर, अदरवाइज प्रॉपर मेथड इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड।